या आप आबशार देख रहे हैं, इस टाइम हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो आपको हैरान कर देगी। कभी आपने रोबोट्स को पूरा लैब का ऑटोमेटेड सिस्टम चलाते पाकिस्तान में देखा है? नहीं देखा। मैं और डॉक्टर नाजिश आपको दिखाते हैं। डॉक्टर नाजिश, लेट्स गो। लेट्स गो। यहां सिर्फ रोबोट नहीं, कई हजारों इंसानों का रोजगार भी इन 130 बैनुल अक्वामी स्टैंडर्ड के डायग्नोस्टिक नेटवर्क्स के साथ जुड़ा है जो पाकिस्तान के इतने ज्यादा शहरों में फैले हुए हैं। ये सिलसिला डॉक्टर रिजवान उपल ने शुरू किया था और फिर इनके भाइयों ने इनका साथ दिया और आज ये सिलसिला हजारों अफराद के रोजगार के साथ बेहतरीन डायग्नोस्टिक नेटवर्क्स पर मुश्तमिल है। तो बा, हमें आप वो ऑटोमेटेड लैब दिखाएं। मैंने कहा रोबोट्स चला रहे हैं, इस दावे को आपने सही साबित कर रहे हैं। लेट्स गो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, ये हम एंटर होने जा रहे हैं पाकिस्तान की पहली फुली ऑटोमेटेड रोबोट्स चलाती लैब में। जो आपको इंसान नजर आ रहे हैं ये बस कंप्यूटर पे क्लिक कर रहे हैं, लेकिन असल में कुछ और हो रहा है। कुछ बताएं सर। ये हमारा टोटल लैब ऑटोमेशन सिस्टम है जो कि रोज स्विट्जरलैंड और सिस्मेक्स जापान से हमने किया है। इसके तीन चार कंपोनेंट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लैब्स में यूजुअली जब ये होता है कि सैंपल्स लैब में आते हैं तो हम सबसे पहले सैंपल्स को मैनुअल प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद फिर वो टेस्टिंग होती है। इट टेक्स मेनी आवर्स। अब यहाँ पे ये कि जब भी सैंपल हमारे पास लैब में रिसीव होता है तो ये हमारा पहला प्रोसेस है, ठीक है, जिसको कि हम लैब अपने सैंपल्स अंदर डालें यहाँ से और इसके बाद यहाँ पे ये खुद ब खुद जा रहे हैं जी। और ये सैंपल सारे बारकोडेड हैं, बारकोडेड सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड हैं, सिस्टम ने खुद बहुत इनको सेग्रीगेट करना है, ठीक है। और सेग्रीगेट करने के बाद इसके बाद इनकी अमेजिंग अमेजिंग जब इनिशियल सेग्रीगेशन होती है उसके बाद ये इनकी रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज होती है, ठीक है। ये हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज होती है जो सैंपल्स को बड़े परफेक्टली इसको सेंट्रीफ्यूज कर रही होती है। ओके अमेजिंग। और अगेन ये सारा प्रोसेस यहां पे भी ऑटोमेटेड, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा, ठीक है। ये उसके बाद होता है सैंपल नेक्स्ट उसके जाता है जहां पे सॉर्टिंग उसकी होती है। यहां पे दो इसकी एक्टिविटीज होती है, एक तो सैंपल्स को ट्रैक पे लेके जाता है, दूसरा हर सैंपल का इमेज कैप्चर करता है, ठीक है। यूजुअली हम कहते हैं कि जो लैब में जो मेजॉरिटी ऑफ एरर्स होते हैं वो प्री एनालिटिकल फेज में होते हैं, ठीक है। ये सारे ऑटोमेशन की वजह से वो सारे एरर्स हमारे माइनस, बिल्कुल दैट्स राइट। जब ये यहां से इसके बाद आते हैं फिर अगेन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स यहां पे रैक्स डिफाइंड है, इन रैक्स पे आके सैंपल्स खुद बहुत ये सिस्टम उसको प्लेस करेगा और उसके बाद ट्रैक के थ्रू हमारे सैंपल्स और उस दौरान सारी इसकी एक जर्नी है, हर सैंपल्स ने अपनी डेस्टिनेशन पर रुकना है, ऐसा नहीं होगा कि वो सारे सैंपल दिखाएं वो क्या है वो हम आप। अब ये सबसे पहला हमारा स्टेशन है जिसको हम कहते हैं कि हेमेटोलॉजी स्टेशन है। यहाँ पे सैंपल्स की प्रोसेसिंग खुद से प्रोसेसिंग होगी, सैंपल्स की सैंपल प्रोसेस होने के बाद यहाँ अगेन सॉफ्टवेयर की बेस पे हमने उसकी, ठीक है, उसको कम्युनिकेट किया हुआ है। नेक्स्ट प्रोसेस इनकी सैंपल की स्लाइड ऑटोमेटेड बन रही होती है, ठीक है। स्लाइड प्रिपरेशन होने के बाद फिर विदिन 10 मिनट्स स्लाइड पैथोलॉजिस्ट को अवेलेबल होती है, 10 मिनट के अंदर। नॉर्मल जो हमारा प्रोसेस होता है इन केस अगर आपने स्लाइड बनाई तो आधे से पौना घंटा लग रहा होता है, यहाँ उसको हमने कम करके 10 मिनट, आपने टाइम सेविंग भी किया, क्विक कर दिया, ठीक है, ठीक है। और ये सुबह जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल हर शिफ्ट में हम इनके मैनेज कर रहे होते हैं, इनकी कैलिब्रेशन साथ रेगुलर हो रही होती है, ठीक है। ट्रेंड स्टाफ होता है, दूसरी बात हम साथ इसको कनेक्ट ये होता है, हमने दोनों सर्वर हमारे अपने सर्वर के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है, और रोज के सर्वर के साथ भी कनेक्टेड, ठीक है। तो ये हम इस हिसाब से इनकी जो टर्न अराउंड टाइम और बाकी जो क्वालिटी चेक्स वो मॉनिटर कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। ये हमारा हेमेटोलॉजी सेक्शन था। नेक्स्ट हमारा ये हमारा केमिस्ट्री और इम्यूनो एसे सेक्शन है। ये इंस्ट्रूमेंट 4000 टेस्ट पर आवर की थ्रूपुट है, एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट 4000 पर आवर पर आवर की 4000 तकरीबन 4000 टेस्ट पर आवर इसकी थ्रूपुट है। और ये हमने दो मिरर इमेज हमने इसको किया है कि इन केस अगर एक इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस पे है तो दूसरे पे ऑटोमेटिकली वर्कलोड शिफ्ट होता है। ये आपका पाकिस्तान में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो यहाँ पे इंस्टॉल हुआ था। और उसके बाद फिर जब यहाँ पे इंस्टॉल हुआ तो कुछ दूसरे जो बड़े सेटअप्स हैं उन्होंने फिर इसको आइडियाज आ गए। दैट्स ग्रेट, दैट वाज अ गुड इनिशिएटिव एंड दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड जी। आप कंटिन्यू करें।
और दूसरी बात इसकी इन सिस्टम का फायदा ये है कि हमारा टर्न अराउंड शॉर्टेस्ट टर्न अराउंड टाइम जब सैंपल यहाँ लैंड करता है तो विद इन 1 to 2 hours उसकी रिपोर्ट पेशेंट को जा रही होती है. दैट इज ग्रेट. दैट इज हमें फीडबैक शुरू में ये आना शुरू हुआ था कि पेशेंट सैंपल देके घर पहुंचे तो रिपोर्ट आ रही होती थी. अक्सर पूछना शुरू हो गए थे कि इतना जल्दी कैसे होता है. जल्दी कैसे होता है. नहीं आजकल तो जितना क्विक हो उतनी ही अच्छी बात है. सो दैट इज अमेजिंग. अगर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सैंपल मैनेजमेंट जो इतना जबरदस्त है कि हमारा क्योंकि 7 to 8,000 ट्यूब्स लोड हो रही होती है. अब उनको मैनुअल सेग्रीगेशन और वो सारे प्रोसेस करना बड़ा मुश्किल होता है. तो यहाँ वो सारी चीज़ ऑटोमेटेड है. इन केस अगर कोई ऐसा टेस्ट है जो रिपीट होने वाला है या पैथोलॉजिस्ट उसको चार अगेन दोबारा सैंपल ढूंढना नहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा. उन्हें अपनी विंडो पे बैठ के जस्ट कमांड देना जब क्लिक करना है कि ये वाला आपने सैंपल को दोबारा रीएनालिसिस करना है. यस ये खुद एनालिसिस करेगा. दैट्स गुड. दैट्स गुड. ये सारी चीजें हमने बोल बोल रहे हैं. साथ हमने इसके जो रिपीट वाले हैं वो हमने इसको रूल्स भी इसमें सेट किए हैं इन केस अगर सैंपल अबनॉर्मल है तो ऑटोमेटिकली चेक इसकी वजह. ग्रेट ग्रेट. दैट्स अमेजिंग. दैट्स अमेजिंग. इसके बाद जब यहाँ सैंपल प्रोसेस हो जाते हैं वंस ठीक है उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट चैम्बर है ठीक है इसको हम पोस्ट एनालिटिकल मॉड्यूल पोस्ट एनालिटिकल मॉड्यूल. पोस्ट एनालिटिकल मॉड्यूल का ये होता है कि जब सैंपल यहाँ पे आते हैं तो उस सैंपल को अपने पास दोबारा से प्रिजर्व कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स हैं और सामने फ्रंट पे रोबोटिक्स हैं. ठीक है. सैंपल्स की इनिशियल प्रोसेसिंग दोबारा कैपिंग होती है. कैपिंग होने के बाद सैंपल सेव हो जाता है. ठीक है. जब कभी हम सैंपल रिपीट करना चाहें तो हम उसको पुल बैक कर लेते हैं. यस. और ये सारी सॉफ्टवेयर बेस्ड है. ठीक है. हम खुद से इसको मतलब मैन्युअली नहीं करने की. दैट्स ग्रेट. दैट्स ग्रेट. तो आपको ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट सिर्फ सॉफ्टवेयर तक ही चाहिए जैसे कि वो एंटर कर रहे हैं और कुछ. दैट्स इट. दैट्स ग्रेट. और ये सारा फुल प्रूफ है आपका क्योंकि इट इज ऑटोमेटेड बाय मशीन्स. ऑटोमेटेड. दैट्स ग्रेट. दैट्स ग्रेट. अगर ये इस वक्त जितना वर्कलोड मैनेज हो रहा है अगर ये ना होता तो मुझे 25 से 30 लोग चाहिए थे इस सारे वर्कलोड को मैनेज करने. यस एग्जैक्टली. दिस इज द ऑटोमेशन व्हिच हैज ब्रॉट द रेवोल्यूशनरी चेंज. दैट्स गुड. क्वालिटी क्वालिटी इंश्योरेंस है. टाइम. यस. और ये जो है ना हमने इन तीन चीजों को बड़ा किया कि क्वालिटी बहुत अच्छी हो रही है. टर्न अराउंड टाइम शॉर्टेस्ट टर्न अराउंड टाइम. और बहुत सारी ऐसी जगह जो बाकी जगहों पे आपको 6 से 8 घंटे में रिपोर्ट मिल रही थी यहाँ विद इन 2 आवर्स हम उसको प्रोसेस कर. दैट इज अमेजिंग. दैट इज अमेजिंग. किसी का कोई मसला हो कोई आर्जा उसको 2 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट मिल जाती है और वो अपने डॉक्टर को जाके दिखाकर अपना इलाज करा सकता है. 40 लोग चाहिए थे ये सब करने के लिए और उसमें ह्यूमन एरर इंसानी एरर आ सकता था. yes. जो रोबोट्स ने कवर कर लिया. तो ये पाकिस्तान की पहली रोबोटिक ऑटोमेटेड लैब सिस्टम है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव और ये लोग कितना अच्छा यहाँ काम कर रहे हैं. ऐसे काम अगर पाकिस्तान में हो रहे हैं तो आप खुद सोचें कि हमें तरक्की करने से कौन रोकेगा. एक शख्स का मैं नाम लूँगा. ये तस्वीर देखिए. डॉक्टर रिजवान उपल तमगा इम्तियाज़ हैं. और ये याद रखें जो मैं बड़ी ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ. फ़र्द वाहिद डिड इट. एंटरप्रेनर है. मैं लोगों को बार बार कहता हूँ ना अपना काम करें स्टार्टअप करें. कोई पीछे से कोई जायदादें नहीं कोई अरबों की प्रॉपर्टी नहीं. उस शख्स ने एक वीएन लिया फ़र्द वाहिद के तौर पर वो चले और आज 45 शहरों में 130 नेटवर्क्स खड़े किए हैं और बेहतरीन क्वालिटी स्टैंडर्ड के जगह जगह जो आप इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर IDC देखते हैं ये शख्स है. और कोई अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लेकर नहीं चला खुद फ़र्द वाहिद चला और देखें कैसे दुनिया अमर कर दी. लेकिन एंटरप्रेनर थे. कोट पेंट टाई वाली 9 to 5 की जॉब नहीं की. सरकारी नौकरी के पीछे नहीं पड़े. अपना नाम बनाया अपने आप को ब्रांड बनाया. और हमेशा मैं और नाजिश एक बात कहते हैं मेक योरसेल्फ अ ब्रांड एंड लुक एट इट. सो खुद कोशिश कीजिए. मेरे ख्याल से एक इंसान के बाजू में तन तनहा जितनी ताकत है वो अकेला पूरी पूरी सरकार की मशीनरी भी लग जाए तो उस अकेले शख्स की एंटरप्रेन्योरशिप की फ़र्द वाहिद की मेहनत की ताकत को नहीं टच कर सकता. मेक योरसेल्फ अ ब्रांड.